नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। वक्त हो गया है खबरों के खिलाड़ी का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर सिर्फ एक मिनट में। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संभल से खबर है जहां हिंदू छात्राओं से छेड़छाड़ के मुद्दे पर बवाल हो गया है। मुस्लिम युवकों पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। बेटियों से छेड़छाड़ के विरोध पर हिंदुओं पर पत्थरबाजी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हिंदुओं पर फायरिंग तक कर दी और एक समुदाय की बेरहमी पिटाई भी की गई है, जबकि दो महिला समेत सात लोग इसमें घायल बताए जा रहे। 13 के खिलाफ नामजद आरोप भी लगाए गए हैं और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पूरा मामला छेड़छाड़ से शुरू हुआ, उसके बाद किस तरह से पत्थरबाजी तक उतर आया, ये तस्वीरें आपके सामने उसकी जिस वक्त ये घटना हुई, किसी ने अपने कैमरे में फोन में इसे कैद कर लिया। लेकिन आपको बताएं, संभल की ये घटना है जहां हिंदू छात्राओं को कुछ ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुस्लिम छात्र छेड़ रहे थे जिसका विरोध किया गया। विरोध करने पर जो छात्र थे वो इतना नाराज हो गए कि पत्थर फेंक कर हमला करने लगे। तो संभल की एक खबर है जहां मुस्लिम लड़कों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था और जब विरोध किया गया छात्राओं की ओर से, छात्राओं के परिवार की ओर से, परिजनों की ओर से, तो जो छात्र हैं वो नाराज हो गए और पत्थर फेंकने लगे, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बनिया ठेर के ग्राम अझावली में आज दोपहर दो पक्षों में विवाद हुआ एवं कार सुनी हुई, जिसके पश्चात शाम को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर पथराव किया गया, जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों को चोटें आई हैं। मजबूरों का मेडिकल कराते हुए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही नामित 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अन्य नामित व्यक्तियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो फिलहाल संभल से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही कि हिंदू छात्राओं से छेड़छाड़ के मुद्दे पर बवाल हो गया और मुस्लिम युवकों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। बेटियों से छेड़छाड़ करने पर जब विरोध किया गया हिंदुओं की तरफ से, तो विरोध पर हिंदुओं पर पत्थरबाजी तक कर दी गई। साथ ही साथ यहाँ पूरे इलाके में फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। तो ये तस्वीरें भी उस वक्त की जिस वक्त पत्थरबाजी की गई। सुनील हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुनील, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और खबर ये कि हिंदू छात्राओं को छेड़ा गया जिसका विरोध करने पर नाराज हुए युवक और उस पर हमला कर दिया पत्थरों से। देखिए, मैं बता दूं, ये संभल के बैंड थाना इलाके का मामला है और ये मझावली गांव बताया जाता है। मझावली गांव में इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं वो अक्सर हिंदू युवकों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कल भी यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें कुछ स्टूडेंट थी जो कि हिंदू स्टूडेंट थी, वो परीक्षा दे रही थी। उनका आरोप ये है कि परीक्षा के दौरान जो परीक्षा की विंडो थी उससे कुछ युवक जो थे छेड़छाड़ कर रहे थे और कंकड़ वगैरह फेंक रहे थे, जिसका वहां पर जो स्कूल में एक कर्मचारी है उसने विरोध किया तो मुस्लिम बाहुल्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद वहाँ कुछ लोगों ने मामले को निपटा दिया, लेकिन वो ही जब जो स्कूल का जो चपरासी जो कि हिंदू समुदाय का बताया जा रहा है, जब वो गांव से गुजर रहा था तो जो मुस्लिम दूसरे समुदाय के युवक बताए जा रहे हैं उन्होंने उनकी घेराबंदी कर ली और जमकर मारपीट की। बीच बचाव के लिए जब उस कर्मचारी के परिवार पहुंचे जिनमें महिलाएं भी थी तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिससे कि वो लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। उसके बाद ये कि दोनों समुदाय के लोग सामने आ गए और सामने आने के बाद जो मुस्लिम बाहुल्य लोग थे स्वतंत्र लोगों ने पथराव किया। सुनील, लेकिन जरा ये भी बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई क्या कुछ की गई है, पुलिस ने क्या कुछ अभी तक कहा है, कितनों की गिरफ्तारी है? कि मैं आपको बता दूं, जो पीड़ित परिवार है उनकी तहरीर पर 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने जो नामजद लोग थे उनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल गांव में जो है पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें लगातार संभल ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।